अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदेद। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बहुत ही बड़ी बुरी ख़बर आई है। वो बहुत ही बड़ी बुरी ख़बर ये है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी कितने मुद्दत तक होगी, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले में ही जो स्क्रीन शॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सबूत के तौर पर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये ना समझें कि जो ख़बर अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये ख़बर झूठा हो सकता है। तो जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सऊदी हुकूमत वजारत दाखला की ट्वीट है। कल रात को ही उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसमें कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। मुकम्मल तफसीलात शेयर करने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना बोले। और अभी पहले में ही आप लोगों को मैं शॉर्टकट में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, उसके बाद आखिर में आप लोगों के स्क्रीन में मैं उर्दू में लिखा हुआ भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्टकट में समझाना ये है कि जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सऊदी हुकूमत ने कल रात को ही ट्वीट करते हुए शेयर किया है और इसमें लिखा गया है कि एक हफ्ते के लिए सऊदी अरब ने तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसमें मजीद ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो इस पाबंदी को एक हफ्ता मजीद भी बढ़ा सकते हैं, यानी ये पाबंदी मजीद दो हफ्तों के लिए भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि ये पाबंदी एक हफ्ते के लिए है, एक हफ्ते के लिए ही तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मजीद इसमें एक हफ्ता एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ये पाबंदी फिर दो हफ्तों के लिए होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि हवाई अड्डों के साथ साथ बड़ी सरहदी चौकियों पर भी ये पाबंदी आयद है, यानी बॉर्डर से भी कोई सऊदी अरब ना तो आ सकता है और ना ही बॉर्डर से कोई जा सकता है। तो एक हफ्ते के लिए सऊदी हुकूमत ने ये तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट और बड़ी सरहदी चौकियों पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दिया है, ना तो कोई सऊदी अरब से जा सकेगा और ना आ सकेगा। ये पाबंदी आज से लगा दिया गया है, आज 21 दिसंबर है और आज से इस पाबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तो ये शॉर्टकट में हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। अब चलिए इस खबर को मुकम्मल आपके साथ उर्दू में शेयर कर देते हैं, आपकी स्क्रीन में उर्दू में लिखा हुआ, ताकि मुकम्मल खबर क्या है आप लोग जान सके कि ये आखिर पाबंदी लगाई क्यों गई। तो गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद सऊदी अरब ने तमाम बिन अलाकवामी परवाजों की अमद रफत पर एक हफ्ते के लिए आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA ने वजारत दाखला के हवाले से कहा है कि बिन अलाकवामी परवाजों पर आर्जी पाबंदी कोरोना वायरस की नई शक्ल के सामने आने के बाद लगाई गई है। कोरोना की ये नई किस्म बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में तेजी से फैल रहा है। वजारत दाखला ने मजीद कहा कि फजाई पाबंदी एक हफ्ते के लिए आयद की गई है, ताहम इसमें एक हफ्ते की मजीद तौसी हो सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ममलिकत ने तमाम जमीनी और समंदरी रास्ते भी बंद कर दी है। सऊदी वजारत दाखला की जानिब से जारी होने वाली तफसीली बयान के मुताबिक वजारत सेहत ने खबर दी है कि नई किस्म की कोरोना वायरस की लहर मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी तेजी से फैल रही है। इस वायरस के बारे में अभी तक हातमी मालूमात हासिल नहीं हो सकी। नई फैलने वाली वायरस से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को महफूज रखने के लिए वजारत सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए वजारत दाखला ने मंदरजा ज़ैल अहकाम जारी किए हैं। तमाम बिन अलाकवामी परवाजों की अमद रफत पर पूरी पाबंदी आयद कर दी गई है। महसूस हालात के अलावा वो गैर मुल्की फजाई कंपनियां जो ममलिकत में मौजूद है उन्हें जाने की इजाज़त होगी। ममलिकत की बड़ी सरहदें भी एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। बड़ी रास्तों से भी आमद रफत पर भी एक हफ्ता के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी में मजीद एक हफ्ता तौसी की जाने का इम्कान है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि वो अपराध जो 8 दिसंबर 2020 के बाद किसी भी यूरोपीय या ऐसे ममालिक से आए हैं जहाँ ये वबा पहली है, उन्हें चाहिए कि मंदरजा ज़ैल अमूर पर अमल करे। ऐसे अफराद दो हफ्ते के लिए खुद को घरों में करंतीना कर ले, करंतीना के दौरान कोरोना टेस्ट कराए और ये टेस्ट हर 5 दिन बाद दोहराए। ऐसे अफराद जो गुज़िश्ता 3 माह के अंदर किसी यूरोपीय या ऐसे ममालिक से आए हैं जहां ये वबा पहली है, उन्हें चाहिए कि वो पूरी तौर पर कोरोना टेस्ट कराए। वो ममालिक जो नए कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुए वहां से सामान की इम्पोर्ट हसब मामूल जारी रहेगी। तो ये मुकम्मल खबर था जो उर्दू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।
और फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत बताते चलूँ कि ये पाबंदी कोरोना वायरस की तरह एक नया वायरस सामने आया है मुख्तलिफ ममालिक में, उस वजह से लगाई गई है। आखिर में थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इस दौरान जिन लोगों ने टिकट खरीदी है, जिन्होंने की फ़्लाइट है, उन्होंने को क्या करना चाहिए। उन तमाम लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आपने जिस एजेंसी से टिकट ली है, जिस बंदे से आपने टिकट ली है, उससे रब्ता करें। इस बारे में वो आपको बेहतर समझाएगा और बेहतर तरीका बताएगा कि क्या करना है, क्योंकि उनको ही पता होगा कि ये टिकट कैंसिल करनी है या फिर इसी टिकट पर आप दूसरे हफ्ते अपने मुल्क जा सकोगे। तो ये मुकम्मल खबर थी सऊदी हुकूमत की तरफ से, एक बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन आखिर में आप लोगों को बताते चलूँ कि इस हवाले से मज़ीद जितनी भी तफसीलात आएंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक सफ़ी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।